ऋषिवर, मुझे संतान होगी। तुम्हें हम ऋषिगढ़ के आशीष पर शंका है? मुझे शंका ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब पाखंडी हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस, हम ऋषिगण को पाखंडी कहो? ये क्या, दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो रहे। ऋषिवर, जब कोई आपका सत्य उजागर कर दे तो क्रोध तो आएगा ही। याद नहीं है एहसान कि आज तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। पिताश्री, ये सब जो एक महान ऋषि बनकर सभी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीष दे रहे हैं, उन्होंने मुझे ये आशीष दिया कि मैं भी एक संतान को जन्म दूंगा जो भविष्य देख सकते हैं, जो भविष्य को जानते हैं। क्या वो ये नहीं जान पाए कि मैं स्त्री हूं या पुरुष? नहीं 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 नहीं, किंतु अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि आप सभी ऋषि मुनियों ने यहां द्वारका में आकर द्वारका के कल्याण के लिए जो यज्ञ किया है वो भी एक पाखंड ही था। कि क्या कह रहे हो साम? अभी की अभी अपने शब्द पुनः लौटा लो, सभी ऋषिगणों से क्षमा मांग। ये क्या क्षमा मांगे कर रहा था? इस निर्लज्ज ने तो क्षमा मांगना सीखा ही नहीं है, और न ही इसे कोई ग्लानि है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ सांब, अभी इसी क्षण द्वारका से चले जाओ, तुम्हें द्वारका से निष्कासित किया जाता है। यदि तुम द्वारका से नहीं गए ना सांब, तो इसी क्षण तुम्हें मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ द्वारका वासियों को इन पाखंडी ऋषियों की वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप मुझे ही दंडित कर रहे ताऊसी। अधर्मी सांप! सांप! तेरा ये दुस्साहस, तू हमें पाखंडी कह रहा है? तुझे क्या लगता है जो हम कह रहे हैं वो सत्य नहीं होगा? क्या क्या कहा आपने? मुझे मुझे संतान होगी? ऋषि दुर्वासा, क्या आपको सत्य में ऐसा लगता है कि मुझे संतान हो सकती है? लगता नहीं, किंतु अब अवश्य होगा। संतान को तू जन्म देगा। मैं संतान को जन्म दूंगा। अरे वाह, यदि मैं संतान को जन्म दूंगा अर्थात मेरी पत्नी को संतान होगी, तो फिर तो ये मेरे लिए श्राप नहीं है, तो मेरे लिए वर है। नहीं साम, संतान तेरी पत्नी को नहीं, संतान को तू जन्म देगा। वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। ऋषि दुर्वासा, प्रकृति का नियम बदल दूंगा, अब तेरी प्रवृत्ति स्त्रियों जैसी हो जाएगी। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता,
मेरे रक्षक स्वयं शुक्राचार्य हैं। वो मेरी रक्षा करने वाले थे। चलिए ऋषिगण, इतना अपमान होने के बाद हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मुझे क्षमा। रुक जाइए ऋषिवर, इस प्रकार कृष्ण की कर्म भूमि से रुष्ट होकर मत जाइए। साम को श्रापित मत कीजिए, साम कृष्ण का पुत्र है। पुत्र नहीं राधा, पुत्र है ये। मैं तो कहता हूं ये क्षमा के योग्य है ही नहीं, इसे तो और अधिक कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं तो यहां द्वारका के कल्याण के लिए आया था राधा, किंतु यदुकुल के इस कुपुत्र ने हम ऋषिगण का ऐसा अपमान किया है कि अब यहां एक क्षण भी रुकना उचित नहीं। मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता, इस कुपुत्र ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हे ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए, हम द्वारका का युवराज है, इसे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। कृपा करके अब श्राप का कोई तो उपाय बताइए। नहीं राधा, इस कपुत्र के साथ ऐसा होना अवश्यम भावी है। नहीं ऋषि दुर्वासा, रुक जाइए ऋषि दुर्वासा, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। रुक जाइए, रुके। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, कहाँ हैं आप? शुक्राचार्य! कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण, वहां शाम को हमारी आवश्यकता है, इतना भयानक श्राप मिला है उसे। चलो चलो उसकी सहायता करते हैं। ये श्राप केवल सांब को नहीं मिला है, हर एक यदुवंशी को मिला है, द्वारका को मिला है, कृष्ण को मिला है, राधा को भी मिला है। किंतु ये कैसे संभव है कृष्ण? वृक्ष की एक सड़ी हुई शाखा पूरे वृक्ष को सड़ा देती है। सांब तो मनुष्य है, युवराज है द्वारका का, हम सबसे जुड़ा है। ये हम सबको हमारे अंत की ओर अवश्य ले जाएगा। नहीं कृष्ण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। जब तक राधा है, द्वारका को कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। यही तो राधा है, यही राधा का प्रेम कि अंत में भी हार नहीं मानी। उचित है राधा, तुम बस अपना कर्म करो, जो तुम्हें उचित लगता है तुम वही करो। इस द्वारका को बचाने का कर्म, यदुवंश को बचाने का कर्म, कृष्ण को बचाने का कर्म, साम की सहायता करने का, तुम बस निश्चिंत हो के जो उचित लगता है वही करो राधे। क्या ये सब मुझे अकेले ही करना होगा? नहीं, एक कर्म तो मैं भी करूंगा, बस अंतर इतना है कि इस बार तुम और मैं इस कर्म में साथ नहीं होंगे। तुम्हारा कर्म कुछ और होगा, मेरा कुछ और। क्या कर्म करने वाले हो? समय आने पे ज्ञात हो ही जाएगा। क्यों, अभी के लिए तुम अपना कर्म करो राधे, असहाय की सहायता करो।
जाओ साम, सब ठीक होगा। मैं हूं ना, सब है तुम्हारे साथ। मुझे जाना होगा राधा, जाना होगा तुमसे दूर। अपना ध्यान रखना। ये सब क्या हो गया? ट्रैप है, सहना तो पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, हम सब हैं। मैं हूँ, कृष्ण है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे शाप देता हूँ, वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। गुरुदेव, ये उत्सव है हमारा, विजय उत्सव। मेरी वर्षों की तपस्या अब रंग लाई है, अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा, अंत होगा कृष्ण का अंत, वो भी उसके मूर्ख पुत्र साम के कारण, जिसने अपने पिता को मात्र नीचा दिखाने के लिए कृष्ण को ही नहीं अपितु संपूर्ण यदुवंश और द्वारिका का अंत सुनिश्चित कर दिया है। अब साम कृष्ण की मृत्यु को जन्म देगा। किंतु कैसे गुरुदेव? मैंने भविष्य देख लिया है, साम अब उसे जन्म देगा जो कृष्ण के मृत्यु का कारण बनेगा। तब तो हमें इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा नहीं करेंगे, जिस वृक्ष को काटना होता है पहले उसकी शाखाओं को काटा जाता है, तभी उसका तना निर्बल होता है। जब तक कृष्ण का अंत ना हो, मैं भी उसे निर्बल बनाऊंगा। किंतु कैसे गुरुदेव? मेरे समीप साम से भी अधिक उपयोगी और सामर्थ्यमान असुर है शिष्यों। वो योद्धा साम से भी अधिक धूर्त और कुटिल है। गुरुदेव, आप किस योद्धा की बात कर रहे हैं? वो योद्धा मेरे समान शिव भक्त है, और यही नहीं, उसका लक्ष्य भी कृष्ण का अंत करना ही है। वो योद्धा महाबली शाल्व है, शाल्व है। ओम नमः शिवाय। महादेव, जब तक आप प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अपने भक्त को दर्शन दीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।